मैडम सर आप जो भी कर रही हैं इसमें बहुत खतरा है, जरा सा ऊंच नीच हुआ तो ये अपनी जान से जाएगा बिल्लू। ऐसा कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इस थाने के साथ हैं, हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की किसी भी पान मिस्त्री को हैंडल कर लेंगे। बताइए मैडम सर क्या करना है और कैसे करना है। काबिल इंसान को क्या करना है और कैसे करना है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने हिसाब से करिए, ठीक ही करेंगी। क्या बात है मैडम सर, आज तक आपने हम पर इतना विश्वास नहीं दिखाया, आज तक सिर्फ शक करती आई हैं और आज इतना विश्वास। करिश्मा सिंह हमें आपकी काबिलियत पर शक कभी भी नहीं था, बस आपके तरीके हमें पसंद नहीं। जहां तक सवाल है ड्यूटी का, तो आपका प्यार आपकी यूनिफॉर्म और ड्यूटी से हमसे ज्यादा नहीं तो हमसे कम भी नहीं। मैडम सर आप इनकी इतनी मत तारीफ कीजिए, वरना ये तो पागल हाथी की तरह पूरे लखनऊ शहर में घूमती फिरेंगी और सबसे पहले मुसीबत में आएगा अपना ये महिला पुलिस थाना। हाँ करिश्मा सिंह हमें निवास त्रिपाठी चाहिए। टेंशन मत लीजिए मैडम सर, पाताल में भी होगा ना वहां से भी घसीट कर लाएंगे उसको, बस आप ये समझ लीजिए कि उसका उल्टा गिनती शुरू। अरे आप आपस में डिस्कस करोगे क्या? अरे बकरा मैं हूँ, मुझे तो पूछो मरना है कि नहीं मरना है। ए बिल्ले चुप कर, और हम पे भरोसा करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा बिल्लू तुमने महिला पुलिस थाना का नमक खाया, अब तो कर चुकाने का टाइम है। अरे ये कौन सा हिसाब है, नमक के बदले गोली। एक बात ध्यान रखिए करिश्मा सिंह, आप ये केस अनऑफिशियली हैंडल कर रही हैं, अपने जोश पर होश का अंकुश लगाए रखिएगा। जी मैडम सर, जय हिंद। रिलैक्स बिल्लू, कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ रबर की गोलियां, इससे जान नहीं जाएगी तुम्हारी। अरे क्या मैडम सर रबर की गोली है, एक ही साइड पे तीन तीन गोलियां दाग चुकी हो, इससे तो मेरी चालीसी हो जाएगी। ओहो इससे चलूंगा मैं। ए बिल्ले ज्यादा नाटक मत करो, समझे ना, अगर हमने सच में अच्छी प्लानिंग नहीं की ना तो तुमको सचमुच गोली लग जाएगी, समझ गए? तो नहीं 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 एग्जैक्टली, इसलिए एक बार सब लोग प्लान अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ही मिस्त्री पांडे अपनी गन एम करेगी बिल्लू की तरफ, उनकी उंगली पहुंचेगी ट्रिगर पर, हम चीता को इशारा करेंगे और वो आवाज निकालेगा। परफेक्ट, और ये आवाज सुनकर बिल्लू तुम जहां कहीं भी हो वहां पर नीचे गिर जाना और मरने की एक्टिंग करना। तुम्हें जो केचप का पाउच दिया है वो फोड़ कर लगा लेना, जो खून का काम करेगा। मैडम सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब मैं ऐसे भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ और मिस्टर मैडम ने पीछे से ऐसी गोली मारी और मैं गिरा, गिरने के बाद ये केचप ऐसे पीठ पे कैसे लगाऊंगा मैडम सर? पॉइंट तो है। मैडम सर मैं क्या करता हूँ, मिस्टर मैडम ने मुझे गोली मारी ना तो मैं ऐसे पीठ के बल गिरता हूँ। हाँ सही, परफेक्ट है कि नहीं, तो ये केचप खा लूं? हाँ हाँ खा लो खा लो। थैंक यू। सो एनीवेज जैसे ही बिल्लू गिरेगा, बिल्लू मिस्त्री पांडे के पहुंचने से पहले आप दौड़ते हुए बिल्लू के पास पहुंचेंगी, उसकी नस चेक करेंगी, ठीक है, और फिर जोर जोर से कहेंगी कि बिल्लू मर गया। लेकिन याद रहे आपका ये कहना हमारे लिए भी एक इशारा होगा कि बिल्लू नकली में मरा। वो कैसे करेंगी? मर गया मर गया। हाँ ठीक है, आपको जैसे करना है आप करिए। सो एनीवेज ये सब जब हो रहा होगा चीता ध्यान रखना कि सनी ये सब रिकॉर्ड कर रहा हो। ओके जी मैडम। क्लियर एवरीबॉडी? एक मिनट मैडम सर एक अहम सवाल है। जरूर। ये चीते ने अगर कुकड़ू को नहीं बोला और ये मुर्गा सो गया तो मैं तो हलाल हो जाऊंगा। मैडम सर आपका प्लान एकदम डेंजरस है, मेरे बचने के चांसेस एकदम 0.0001% है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, उससे पहले ही मैं। बिल्लू बिल्लू मैडम सर डेंजर तो है। ओ
देख बिल्ले तू चिंता मत कर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा, है ना संतू? हाँ, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। और ये आ गए, आ गए, आ गए, जा जा जा। अरे उधर उधर वहाँ जा। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। हम सोच रहे थे जाके चाय पीकर आए, लेकिन पुष्पा जी आपने तो चाय छोड़ दी थी। हाँ वो कभी कभी चाय छोड़ते हैं, कभी पकड़ते हैं, कभी फिर पकड़ते हैं, कभी फिर छोड़ते हैं। हमको खुद को समझ में नहीं आता कि हमने चाय पकड़ी है कि छोड़ी है। तो इस दुविधा में हम सोच रहे थे कि चाय पी ही लेते हैं। ओहो कोई नहीं, जाओ पी लीजिए। मैडम हम भी जाएं चाय पीने? हाँ ठीक है चलो, हमारा मूड अच्छा है, पी के आओ। थैंक यू। कैसे कैसे आप हमारे दिल का बात जान लेती है संतू जी। और बिल्लू जी क्या हाल चाल? हाँ 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 बस बढ़िया है। वैसे आजकल आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छा ही चल रहा है। करिश्मा सिंह, करिश्मा जी सरकार हमें पूरी सैलरी देती है तो आप टाइम पे क्यों नहीं आती थाने? वो हमें थोड़ा पर्सनल काम था। मामा जी हमारे नेता है, रिपोर्ट आपको हमें करना है, सीनियर हम आपके हैं, तो फिर आप हमारे बाद थाने आएगी ऐसा कैसे चलेगा? अगली बार से अगर आप हमसे पहले थाने नहीं पहुंची ना तो इस बार तो आपकी छुट्टी पक्की है, और इस बार तो भगवान से पूछने के लिए हम सिक्का भी नहीं उछालेंगे। समझ गई आप? जी। गुड। संतू सारा प्लान समझ में आ गया ना तुम्हारे? आप टेंशन मत लो पुष्पा जी, कल रात को मैंने इतनी सारी इनकाउंटर वाली मूवीज देखी। इनकाउंटर वाली मूवीज देखी थी ना, नींद नहीं आ रही थी तो क्या करती मैं? हमेशा से चाहती थी मैं जब भी पुलिस में नौकरी करूँ ना इनकाउंटर करने को मिले। आज आ गया वो दिन। आप फिक्र मत करो पुष्पा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है और एनकाउंटर में बहुत मस्त तरीके से शूट करूंगा। और संतोष जी कैमरे पे सिर्फ आप ही होगी। अरे पुष्पा जी इस पर भरोसा मत कीजिए, भरोसा लायक आदमी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा, चड्डा चुड्डा। सही बोल रहे हैं हम? अरे आप हमारा भरोसा कीजिए, हम ढूंढे हैं आदमी। हाँ इकबाल इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखिए पुष्पा जी इस सारा का सारा रिकॉर्डिंग तो मस्त करेगा, बहुत बढ़िया से करेगा। अरे नहीं नहीं हमारा उस तरह चलाने वाला हाथ है, हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैमरा कैसे चलाएंगे? अरे तुम कर लोगे एक बार। नहीं नहीं उधर ग्राहक आए हो, वैसे भी हमको इनकाउंटर से बहुत ज्यादा डर लगता है। जीते यहाँ बैठ। इनको कैसे पता चला इनकाउंटर के बारे में? बोलो बोलो मतलब संतू। कोई बात नहीं संतू जी। संतू जी ये लीजिए, ये लीजिए, लीजिए ये देखिए ये रहा रबर बुलेट, तो मिश्री मैडम का जो ओरिजिनल बुलेट है ना उसे रबर वाला बुलेट एक्सचेंज कर दीजिएगा। है हाँ। राखी पुष्पा जी आज रक्षाबंधन है ना, मेरा भाई तो गाजियाबाद में, अब किसको राखी बांधू मैं? संतोष जी मुझे अचानक से जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ अभी। हाँ अचानक से हमको भी एक जरूरी काम याद आ गया, बहुत जरूरी। ये दोनों बेकार लोगों को अचानक से इतना जरूरी काम क्या आ गया? संतो तू नहीं समझेगी। ओके आज तो मतलब मजा ही आ गया, करिश्मा सिंह की जो आरती उतारी है हमने अब कभी नहीं भूलेगी वो हमें। देख लेना हमें अपना भौकाल दिखाना चाहती थी ना, अब हमारी चक्की में वो इतना पिसी है कि वो खुद को ही भूल जाएगी। तुम्हें क्या हुआ भाई? वो मैं 4 बजने का वेट कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ ना, वो एनकाउंटर देखने को मिलेगा इसीलिए। अब मैडम मैं एक बार आपकी गन देख सकती हूँ प्लीज? वो मैं फील करना चाहती हूँ, एनकाउंटर करना है ना इसीलिए, वरना मैडम सर के राज में तो वो तजुर्बे से सबको मार देती है इसीलिए। ठीक है लेकिन आराम से जरा।
मिस्त्री पांडे यहाँ ये। जी मैडम सर। ये निवास त्रिपाठी के केस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास रह गए थे। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। ये तो कुछ अलग ही फाइल है मैडम सर। अच्छा शायद हमने आपको गलत फाइल दे दी एक बार। हाँ सॉरी ये गलत फाइल है। प्लीज कैरी ऑन। हो गया मैडम क्या फील है ना? चलो अब ठीक 4 बजे उस बिल्लू को जीप में बिठा देना ठीक है। जी मैडम। आइए बिल्लू। आइए आइए आइए। क्या 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 हुआ? घूमने जा रहे हैं। अरे हमने सोचा कि आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, आप पूरे दिन अपने बिल्लू निवास में पड़े रहते हैं तो आपको थोड़ा घुमा लाते हैं ऐसे। बहुत बहुत ही अच्छा सोचा लेकिन दिन गलत चुना। वो क्या है आज मेरा व्रत है ना, तो मैं आपके साथ चलकर खा पी नहीं सकता, तो कल चलते हैं। मेरी तरफ से ट्रीट। अरे ये तो और अच्छा है, आप हवा खा लेना और हम व्रत करते हुए इंसान की थोड़ी सेवा कर लेंगे। आइए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कुछ जरूरत तो नहीं। मतलब रिवॉल्वर में एक गोली असली है। फोन स्विच ऑफ करो अपना, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस नहीं होनी चाहिए वरना केस उल्टा उलझ जाएगा। करती हूँ मैं। अभी करो करो। क्या लिख रही हो? वो आज रक्षाबंधन है ना, तो अपने भाई का नाम राखी पर लिख रही हूँ, फिर उसके नाम की राखी किसी और को पहना दूँगी। क्या बात है, काफी सही जुगाड़ निकालती हो तुम, इम्प्रेस्ड। बिल्लू मिश्री के गन में एक बुलेट असली है, तेज भाग तेज। धीरे धीरे भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से चल लो। ओके चीता अब हमारी बात ध्यान से सुनो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ मैडम सर। हाँ मौसानी हम दोनों लोग रेडी हैं। इतनी अच्छी जगह है, एकदम खुला खुला है ना। मैं जरा टहल के आता हूँ, गाड़ी में बैठ के ऐसे पैर अखड़ गए ना। हाँ हाँ टहल लीजिए, जितना टहलना है टहल लो तुम, आज हम तुमको छोड़ रहे बिल्लू, भागो। मतलब जाए पक्का? हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं आप ऐसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मेरा बिल्लू निवास है, उसमें मैं एडजस्ट कर लूंगा। अरे बिल्लू तुम हमारी फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, मामा जी नेता है हमारे।
तुम बस भागो आज। भागो भागो, चलो जाओ। बिल्लू जी। हाँ, क्या? आज रक्षाबंधन है। तो? और मेरा भाई गाजियाबाद में रहता है। तो मैं आपको राखी बांधूंगी। हाँ, क्या है ये संतू का? ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। थैंक यू। जाओ। हाँ हाँ, भागो बिल्लू भागो। बिल्लू मिश्री की गन में एक बुलेट असली है, भाग तेज भाग। क्या हुआ, भागो बिंदास। हाँ हाँ, जा रहे। क्यों आवाज लगाई तुमने? अरे हम नहीं किए। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? बिल्लू भाई रुक जाओ, वरना हम शूट कर देंगे। क्या ये चीटिंग? पहले आपने बोला जाओ फिर रुको, ये चीटिंग है। मैं नहीं खेलता, मैं चला। बिल्लू वहीं पर खड़े रह जाओ वरना गोली मार देंगे। हाँ। मैडम सर, हमको तो लगता है कहीं असली मुर्गा कुकड़ू को कर रहा है अभी। हैं? फिर से? बिल्लू वहीं पर खड़े हो जाओ वरना गोली मार देंगे हम। अरे तुम एक बार डिसाइड करो ना, पहले बोले जाओ फिर रुको फिर खड़े हो जाओ, ये क्या आपका डिसाइड ही नहीं कुछ? ए भाई गाड़ी निकल। ए रुक, चुपचाप चलते बनो। करिश्मा सिंह जी, लगता है आप भूल गई है कि आप हमारी परमिशन के बिना कोई एक्शन नहीं ले सकती। और ये कोई तरीका होता है किसी को थाने लाने का? जब से आई हो अपना ही बोल रही हो, तो सोचा आज तुमको थोड़ा करिश्मा सिंह का भौकाल दिखा दे। ये त्रिपाठी है, निवास त्रिपाठी। ये हमारा केस है और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना इसे अरेस्ट करने की?
करें। हमने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अगली गलती जो आप करेंगी तब हम सिक्का नहीं उछाल पाएंगे, लेकिन क्या करें, आपको एक और मौका दे ही देते, सिक्का उछाल ही लेते। देखिए, अगर हेड आया तो फिर भगवान भी कह रहे हैं कि आपके खिलाफ हमें कार्यवाही करनी ही पड़ेगी और लाइन हाजिर की जाएगी, और अगर टेल आया तो फिर हम ये सोचेंगे कि आप नादान हैं और आपसे गलती हो गई और माफ कर देंगे आपको, ठीक है? ये महिला पुलिस थाना है, यहाँ कंप्लेंट और सबूत के बेसिस पर फैसले लिए जाते हैं सिक्का उछाल करने, और जहां तक हमें लगता है भगवान को भी यही मंजूर है। आप भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। संतोष शर्मा, जरा इन्हें आज की ताजा खबर तो दिखाइए। जी मैडम सर। जैसा कि आपने देखा, सब इंस्पेक्टर मिस्त्री ने एक बेगुनाह का एनकाउंटर करने की कोशिश की। वजह थी निवास त्रिपाठी जैसे माफिया को बचाना। पकड़े गए निवास त्रिपाठी ने खुद कैमरे के सामने कबूल किया है कि उनका मिस्त्री के साथ क्या संबंध था। सूत्रों के अनुसार सब इंस्पेक्टर मिस्त्री पांडे के मामा जी बहुत बड़े नेता हैं, और यही वजह है कि बहुत कम समय में मिस्त्री पांडे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गई। जब हमने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था, हम क्या कहें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें मिस्त्री के काले कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं है, और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले इस मामले में। ओहो, फाइनली घर वापसी। अपना निवास होता है, और होटल में नींद ही नहीं, आराम ही नहीं हुआ। अभी यहाँ दिन भर खर्राटे मारेंगे। वो होटल के बेड मतलब इतने बड़े और इतने सॉफ्ट है फालतू। अरे चीते, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर लो प्लीज। मैडम सर माफ कीजिएगा, जिंदगी में जब हर चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। जिन लोगों ने कल तक हमारा फायदा उठाया, आज वो सब लोग दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि वो हमें जानते तक नहीं। कल तक हमसे काम था तो ठीक था, और आज हम उनपे बोझ बन गए हैं। यहां तक कि हमारे सगे मामा ने भी हमें पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि सच तो यही है कि उन्होंने जानबूझकर हमारी पोस्टिंग यहां पर करवाई थी। मिस्त्री पांडे, नेपोटिज्म का ये गंदा जाल हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। हम आपसे अब भी कह रहे हैं, जिंदगी में काबिलियत को महत्व देना सीखिए, तभी आपकी भी तरक्की होगी और देश की भी। मैडम सर, जब हम इस महिला पुलिस थाने में आए थे तब वर्दी से पहन कर आए थे, लेकिन आज एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, और वो है सिर्फ आप लोगों की वजह से। हम वादा करते हैं कि हम कन्फेस करेंगे और अपने मामा जी के खिलाफ हम खुद गवाही देंगे और उन्हें जेल पहुंचा कर रहेंगे। आप सबको जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.